हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस के इस चैनल पर मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के मानचित्र का, मानचित्र कार्य का पार्ट थर्ड यानी भाग थ्री के विषय में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे विश्व के मानचित्र पर कुछ क्षेत्रों को कैसे दर्शाएंगे। और यह वह क्षेत्र रहेगा जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास में इन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए बार बार पूछा जाता है। तो चूंकि भारत का अगर मानचित्र रहता है तो एक छोटा सा मानचित्र रहता है, उसमें हम लोग तरह तरह के स्थानों को दर्शा सकते हैं। लेकिन विश्व के मानचित्र पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कह सकते हैं कठिन हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको याद रख सकते हैं और कैसे उसे दर्शाया जा सकता है। तो इसे अलग अलग पार्ट करके यानी अलग अलग भाग करके सबसे पहले हम लोग महादेश को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सागर को, उसके बाद कुछ देश को दर्शाने के लिए, और उसके बाद कुछ शहर के विषय में देखेंगे कि आखिरकार वह शहर कहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम इसे दर्शाने के लिए देखेंगे। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम तीन मानचित्र का प्रयोग करेंगे। यह एक पहला मानचित्र है और यह आपका दूसरा मानचित्र है और एक और मानचित्र है, यह तीसरा मानचित्र है। और जरूरत पड़ेगा तो एक और कह सकते हैं मानचित्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम विस्तार से उसे देख समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस मानचित्र पर बात करते हैं और सबसे पहला महादेश के विषय में बात करेंगे। और उस महादेश में हम सबसे देखेंगे, सबसे पहला महादेश है यूरोप। यूरोप महादेश किस स्थान पर है? जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिख रहा होगा कि यह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि यह वाला क्षेत्र क्या है, यूरोप महादेश है। इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपका भारत है, देख सकते हैं, और भारत से लगा हुआ देख सकते हैं। यह वाला क्षेत्र नहीं, यह वाला क्षेत्र अफ्रीका दिख रहा है आपको। भारत से लगा हुआ ही ऊपरी और हल्का सा आप देख सकते हैं इस ओर, आपका बताए थे दिशा पूरब था, कह सकते हैं उत्तर पूरब की ओर यूरोप है। आप इस चीज को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए हम और भी मानचित्र आप लोग के लिए लाए हैं। और इस मानचित्र में देख सकते हैं एक रंगीन मानचित्र है, और इस रंगीन मानचित्र में आपको यहाँ पर यूरोप दिख रहा होगा कि किस क्षेत्र में है। और अगर इसी चीज को आपको दर्शाने के लिए दिया जाएगा तो आपके पास ना ही इस तरह रंगीन मानचित्र दिया जाएगा और ना ही आपका एग्जाम में इस तरह का मानचित्र दिया जाएगा। तो एक ब्लैंक सा सफेद कलर का मानचित्र दिया जाएगा, बिल्कुल इस तरह का। आपको इस तरह के मानचित्र में यूरोप दर्शाना है तो आप दो तरीके से इसे दर्शा सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप इसे गोल करके इस प्रकार से इसमें आप यूरोप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इस तरह के क्षेत्र में यूरोप आता है, और ऐसे तीर लगा के आप यूरोप इसमें लिख सकते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से, ताकि बेहतर तरीके से प्रॉपर आप लोकेशन नहीं पता है, तो ऐसे भी तीर लगा कर, सॉरी, इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से तीर दिखा करके आप इसमें यूरोप लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा। तो यह था पहला। अब हम लोग दूसरा आगे बढ़ते हैं, और अगला था अफ्रीका के विषय में। तो अफ्रीका का भी इसी तरह से आपको दर्शाना है। फिर से हम उसी मानचित्र पर आते हैं, और यहाँ पर दिख रहा है आपको यह जो क्षेत्र है, यह आपका अफ्रीका है, और इस चीज को दर्शाने के लिए बोला जाएगा आपको। तो अगर इसको दर्शाने के लिए बोला जाता है आपको, तो आप इसे इस तरह से गोल घेरा करके, या फिर जिस तरह से मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, इस तरह करके अभी आप दर्शा सकते हैं। अफ्रीका किस स्थान पर है, उस चीज को भी देखने के लिए आप यहाँ पर इस भारत का सहारा ले सकते हैं। यह भारत का किस क्षेत्र है, यह आपका पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में पड़ता है। तो यह क्षेत्र आपका क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। फिर से एक बार रंगीन मानचित्र में आप देख सकते हैं इसको, कि यह जो क्षेत्र दिख रहा है, हरे रंग का क्षेत्र, यह पूर्ण रूप से अफ्रीका ही है, जो आपका भारत इस क्षेत्र में पड़ता है, और भारत के इस दिशा में यह पड़ रहा है। अब अगर इसको इस क्षेत्र, इस मानचित्र में दिखा जाए, तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप इसे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि यह आपका अफ्रीका है। या तो आप इसे इस तरह से गोल करके दिखा सकते हैं, या फिर बिना गोल किए ही आप इसे दर्शा सकते हैं कि कहाँ पर यह आपका अफ्रीका पड़ता है। इस तरह से भी आप दर्शा सकते हैं कि यह अफ्रीका है। तो यह दो महादेश था जो इतिहास में लगभग लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही आसान है महादेश को दर्शाना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सागरों के विषय में, तो उसके लिए हम एक और मानचित्र का प्रयोग करेंगे। तो यह जो मानचित्र आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से तीन सागर को दर्शाने के लिए देखेंगे। सबसे पहला आपका लाल सागर,
दूसरे नंबर पर है भूमध्य सागर और तीसरे नंबर है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें से एक नाम तो आपको सुनते ही पता चल गया होगा, बंगाल की खाड़ी। भूमध्य सागर और लाल सागर किस स्थान पर है, हम इसको दर्शाने के लिए देखते हैं। तो इस मानचित्र को देखते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है इस क्षेत्र में, ठीक है, यह वाला ही हमारा प्यारा भारत है। तो भारत तो देखिए, विश्व के मानचित्र में भारत ही एक ऐसा सामान्य सा क्षेत्र है जो सारे बच्चों को याद रहता है, इसलिए हम बार बार भारत पर फोकस कर रहे हैं। भारत कहाँ है, भारत इस जगह है, भारत से किस क्षेत्र में वह स्थान पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में अगर अपना भारत है, तो अब आता है लाल सागर की बात। तो आपको पता है थे इस यहाँ पर अफ्रीका है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, और इस क्षेत्र में यूरोप है, और यहाँ पर ये एशिया, और एशिया में ही अपना भारत पड़ता है, और इस यूरोप और इस अफ्रीका के क्षेत्र में यह जो क्षेत्र पड़ता दिख रहा है ना, यह गैप वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही जो सागर है उसी को हम लोग लाल सागर कहते हैं, या फिर रेड सी कह सकते हैं आप लोग। तो यह जो क्षेत्र है यही आपका लाल सागर है, और यहाँ पर ही एक और सागर आपको दिख रहा है, यूरोप ये रहा और ये रहा अफ्रीका, और इनके बीच में यह जो क्षेत्र दिख रहा है यह आपका क्या है, दूसरा सागर है, जिसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यह जो क्षेत्र है वह भूमध्य सागर है। आपको यहाँ पर इंग्लिश अंग्रेजी शब्द भी दिख रहा होगा, तो आप इसे अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और यहाँ पर जो लाल सागर जिसको कहते हैं उसको हम लोग रेड सी भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये दो कह सकते हैं सागर आपको दिख रहा है, महासागर नहीं है ये, सागर याद रखिएगा, महासागर नहीं है यह सागर है, ठीक है। और उसके बाद एक और आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, वो तो आप इसे कह सकते हैं पहचानते ही होंगे, भारत के इस क्षेत्र में है, यहाँ पर देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला सागर आपका यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यह तीन सागर है जो आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने के लिए आएगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि इस चीज को हम लोग तीन मानचित्र में देखेंगे, तो यह पहला मानचित्र था। अब हम लोग दूसरे मानचित्र पर आते हैं। अब अगर इस मानचित्र पर आए तो अब आपको यहाँ पर दर्शाना है, तो जैसा कि तीन सागर हम फिर से आपको दिखाते हैं कि यह आपका अफ्रीका है, और इस क्षेत्र में यूरोप पड़ता है, और यहाँ पर एशिया है, और इसी क्षेत्र में यूरोप, यह आपका यूरोप है और यह अफ्रीका है, इस क्षेत्र में यूरोप और अफ्रीका के इस क्षेत्र में यहाँ पर आपका पड़ रहा था लाल सागर, लाल सागर, ठीक है। अब देखिए ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से इसको हम लोग गोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र लाल सागर तो है ना, तो चूंकि विश्व का मानचित्र छोटा है इसलिए ज्यादा क्षेत्र घेरा में आ जा रहा है, इसलिए ज्यादा कम से कम कोशिश कीजिएगा इसको घेरने का, या फिर आप इसे नहीं घेर करके इस तरह से भी आप इसे दर्शा सकते हैं कि यह आपका लाल सागर है, लाल सागर है यह आपका। और उसके बाद अगर यह दर्शा लेते हैं, उसके बाद भूमध्य सागर आपको दिखाना था, तो यह वाला क्षेत्र क्या था, भूमध्य सागर था, आपको बताए थे, फिर से एक बार याद कीजिए, यह यूरोप और यह अफ्रीका, और इस दोनों के बीच में यहाँ जो पड़ने वाला सागर है यही आपका भूमध्य सागर है। उसके बाद अगर विश्व के मानचित्र में ही बंगाल की खाड़ी की बात की जाए, तो वह यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आप इससे दर्शा सकते हैं कि इस क्षेत्र में यह आपका बंगाल की खाड़ी है। तो यह तीन कह सकते हैं सागर जो हम आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने के लिए बता दिए। अगर इस रंगीन मानचित्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी आप इसे आसानी से दर्शा सकते हैं, इस क्षेत्र में लाल सागर है, और यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, और यहाँ पर आपका है बंगाल की खाड़ी। तो ये तीन सागर जिसको हम लोग तीन अलग अलग मानचित्र में, बार बार हम इसलिए अलग अलग मानचित्र में दिखा रहे, ताकि एग्जाम में आप उसे पकड़ सके कहाँ पर है नहीं है, और उसे आसानी से दर्शाया जा सके। और याद रखिएगा या एग्जाम में आपको रंगीन मानचित्र आने वाला है नहीं, इसलिए जहां पर अगर सफेद मानचित्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो जरूर हमें बोलिएगा। तो अब हम लोग कुछ देश के विषय में बात करते हैं, कुछ देश को कैसे दर्शा सकते हैं हम लोग अलग अलग कह सकते हैं मानचित्र में। तो सबसे पहला जो बात है वह हम लोग बात करते हैं इटली के विषय में, एक देश है इटली। तो इटली कहाँ पर है, यह आप विश्व का मानचित्र देख रहे हैं, ये रंगीन वाला भाग है, और इटली जो है आपका वह यूरोप का भाग है, याद रखिएगा इटली कहाँ का भाग है, यूरोप का भाग है। तो यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि इटली किसका भाग है, यूरोप, और यूरोप कहाँ पर आपको दिख रहा है।
अब इस यूरोप में इटली कहाँ पर है मुख्य रूप से हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैप को थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, यह वाला जो क्षेत्र है या व्हाइट रंग सफेद कलर का जो भी आपको दिख रहा है, यह क्षेत्र पूरा यूरोप है। और इस यूरोप में से आप देख सकते हैं कि यह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो दिख रहा है यही मेरा क्या है, इटली है। यही मेरा क्या है, इटली है। और इटली की राजधानी रोम है। तो आप इसे कह सकते हैं, अगर आप इसे दर्शाना चाहेंगे तो, या फिर आप इसे इस तरफ से गोल कर दें, या फिर आप बिना गोल किए ही विश्व के मानचित्र में अगर स्थान नहीं मिलता है तो आप इस तरह से इसे तीर लगा करके भी इटली लिख सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आप इसे याद कैसे रखेंगे, इटली कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यह जो सागर है ना, यह भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के लगभग बीच में ही इटली आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग बड़े मानचित्र पर आते हैं और उस पर देखते हैं कहाँ पर है। और यह रहा वह बड़ा मानचित्र जिसमें हम लोग इटली को दर्शाना है, और वह भी सफेद रंग का मानचित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम आपको बोले थे कि भूमध्य सागर है, ठीक है ना। आपको बताएं इटली यूरोप में पड़ता है, यह यूरोप है, यह आपका अफ्रीका है, और यह आपका क्षेत्र क्या है, एशिया है। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर है, और यहाँ पर यह वाला जो आपको दिख रहा है, जहां तक मेरा एरो किया, देख सकते हैं यह जो क्षेत्र दिख रहा है यही आपका क्या है, इटली है। आप इस तरह से सर्कल करके भी इसे दिखा सकते हैं, गोल करके भी दिखा सकते हैं कि यह क्षेत्र आपका क्या है, इटली है। आप इस तरह से भी विश्व के मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो यह था एक पहला देश जो बिल्कुल देख लीजिए कहाँ पर है। अगर आप इसे इस वाले मानचित्र में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो लटका हुआ भाग दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, यही आपका क्या है, इटली है, जो कौन से सागर में पड़ता है, भूमध्य सागर में पड़ता है। तो अब हम लोग दूसरे देश के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जापान के विषय में। तो इस विश्व के मानचित्र को फिर से देख लीजिए, और इस बार जो जापान आपका पढ़ने वाला है वह जापान आपका पड़ेगा एशिया महादेश में। एशिया महादेश में जापान पड़ता है। जापान का नाम भी बहुत ही बार कह सकते हैं इतिहास में आया है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय जब कह सकते हैं परमाणु बम जो गिरा था इसी देश में गिरा था, इसलिए इतिहास में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो यह देश कहाँ पर है आखिरकार, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, देख सकते हैं। और भारत के इस ओर में यहाँ पर जो देश दिख रहा है आपको, यह वाला बिल्कुल टापू कह सकते हैं, द्वीप द्वीप जैसा कह सकते हैं, चारों तरफ से पानी ही पानी है। तो इस क्षेत्र में जो यहाँ पर पड़ रहा है ना, यही आपका क्या है, जापान है। तो चलिए अब इसको एक बार बड़ा करके देख लेते हैं, बड़ा सा मानचित्र को जूम करके अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र दिख रहा है, यह जो क्षेत्र दिख रहा है, यह क्या आपका जापान है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका चीन है, और चीन के बगल में आपका यहाँ पर भारत है। तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, चीन फिर यहाँ पर भारत है, और इसी से अलग हल्का सा दूर पर यहाँ पर जो द्वीप दिख रहा है यही क्या है, आप कह सकते हैं जापान है। ऊपर में एक और लटकता हुआ देश है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग उन देशों पर चर्चा करेंगे जो इतिहास में बार बार आते हैं। तो यह आपका क्या है, जापान है। तो अब इसको अगर इस मानचित्र में देखा जाए, सफेद वाले मानचित्र में, तो चलिए हम लोग देखते हैं जापान कहाँ पर आखिरकार। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आपका भारत है, और यहाँ पर आपका चाइना है, चीन जिसको कहते हैं, और उसी के क्षेत्र में बगल में यह आपका क्या है, जापान है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं सर्कल गोल करके, या फिर ऐसे ही, सॉरी, या फिर आप ऐसे ही इसे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते थे। तो यह था जापान। एक बार फिर से हम इसको रंगीन मानचित्र में आप देखना चाहते हैं तो हम उसमें जरूर दिखाएंगे, हो सकता है आपके मन में ख्याल आता होगा। तो यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र याद रखिएगा, यह वाला क्षेत्र क्या है, जापान है। अब हम लोग अगले देश की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं कि जर्मनी, जर्मनी कहाँ पर है। जर्मनी भी आता है परीक्षाओं में बार बार। तो फिर से हम देखना चाहते हैं यह जो विश्व का मानचित्र आपको दिख रहा है, इसमें यूरोप, यूरोप तो आपको आपके माइंड में जरूर सेट हो गया, यूरोप महादेश जो है उसी में जर्मनी पड़ता है, जर्मन देश पड़ता है। तो आखिरकार कहाँ पर है, तो यूरोप महादेश आपको जरूर दिख रहा है। अब इसमें जर्मनी कहाँ पर है उसको जरा सा देख सकते हैं। तो यह बड़ा वाला फिर से विश्व का मानचित्र हम लेना चाह रहे हैं, और इस विश्व के मानचित्र में यह जो क्षेत्र है यह आपका दिख रहा है, पूरा यूरोप दिख रहा है। और यूरोप के क्षेत्र में आपको हम इटली दिखाए थे, यह वाला देश क्या था, इटली था। और इस इटली के जस्ट ऊपर में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ऊपर में यह जो क्षेत्र दिख रहा है यह क्या है आपका, जर्मनी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर इटली था,
यह कह सकते हैं। और इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर क्या है आपका, यह जो क्षेत्र है वह आपका जर्मन है। तो यह आप देख लिए छोटे से मानचित्र में। अब अगर इसे इस सफेद मानचित्र में दर्शाने के लिए बोला जाए तो कैसे इसे दर्शा सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यह अब विश्व के मानचित्र में, सफेद मानचित्र में आ गए हम लोग। और इस क्षेत्र में आपको पता है यह वाला क्षेत्र क्या है, यूरोप है। और आपको पता है कि यह क्या है आपका, इटली है। इस क्षेत्र में यह वाला छोटा सा देख सकते हैं लटकता हुआ भाग। और इसी के जस्ट ऊपर में आपको क्या दर्शाना है, जर्मनी दर्शा देना है। बस हो गया आपका काम, यहाँ पर ही जर्मनी है विश्व के मानचित्र में। बस आपको इतना सा ही करना है। आप इसे गोल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कीजिएगा तो यह आपको अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। तो आप इसे इस तरह से तीर दिखा करके इटली के थोड़ा सा ऊपर, याद रखिएगा इटली के ऊपर है, आपको दिखाए थे मैप में ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका क्या है, जर्मनी है। आप यहाँ पर जर्मनी लिख दीजिए, आपका काम बन गया। तो इस प्रकार से आप इसे जर्मनी लिख सकते हैं। तो यह था जर्मनी। अब एक और देश हम आपको बताना चाहते हैं, वियतनाम। वियतनाम कहाँ पर है, इस चीज को देखते हैं। तो आप अगर इस क्षेत्र, सॉरी, अगर इस रंगीन मानचित्र में जापान दर्शाना चाहेंगे तो यह कहाँ होगा, यह आपका इटली है। और इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर जो है आपका क्या है, जापान है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप जापान इसे दर्शा सकते हैं। अब वियतनाम की अगर बात किया जाए तो वियतनाम क्या है, वह भी एशिया का देश है। याद रखिएगा वियतनाम क्या है, एशिया का देश है। वियतनाम कहाँ पर आया है, वियतनाम के साथ तीन देश और हम आपको बता देंगे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम और कंबोडिया मुख्य रूप से आपको दर्शाने के लिए बोला जाएगा। आप लाओस नहीं भी याद रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह दो देश जो है याद रखिएगा, वियतनाम और कंबोडिया। वियतनाम और कंबोडिया हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे, इंडो चाइना। इंडो चाइना का जो हम अध्याय पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे वियतनाम। तो यह आपका विश्व का मानचित्र है, इसमें यहाँ पर यूरोप है, आप देख सकते हैं। सॉरी, यह जो क्षेत्र है यह यूरोप है, यह अफ्रीका है और यह आपका एशिया है। तो यह जो मानचित्र आप देख रहे हैं इसमें हम लोग दर्शाने की कोशिश करेंगे वियतनाम कहाँ है। फिर से दिखा लेते हैं, यह आपका क्या है, भारत है और यह आपका चाइना है। जो कह सकते हैं मुख्य रूप से आपके बुक में जो मानचित्र दिया था वह देख सकते हैं, यह वाला मानचित्र आपकी किताब में दिया गया था। और इस तरह का टेढ़ा वाला आकृति आपको जरूर याद आ रहा होगा, अगर बुक में आप मैप देखे होंगे, मानचित्र देखे होंगे। तो यह जो क्षेत्र हरे रंग वाला, सिर्फ हरे रंग वाला इस तरह में जो क्षेत्र दिख रहा है, वही आपको यहाँ पर ही वो तीन देश मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस और जो क्षेत्र है, देख सकते हैं बटा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस और आपका वियतनाम है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं यह आपका लाओस है। और यहाँ पर जो नीचे क्षेत्र में यह आपका क्या है, कम्बोडिया है। यह आपका क्या है, कम्बोडिया। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं यह भारत है और यहाँ पर यह म्यांमार है। और म्यांमार से ही, या म्यांमार के ही आसपास यह क्षेत्र क्या होता है, पड़ता है। ज्यादा हम कंफ्यूज करके ज्यादा देश का नाम लेना नहीं चाहते हम यहाँ। बिल्कुल आपको उसी देश का नाम याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक विश्व का मानचित्र का एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे, जिसमें अलग अलग महादेश में पढ़ने वाले सभी देशों के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप भारत और म्यांमार को तो जानते ही है। और म्यांमार से हल्का सा दूर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सबसे पहले लाओस, और उसी के इस किनारा पर, पूरब के किनारा, और आपको मिल जाएगा क्या, वियतनाम। और इस और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, कंबोडिया, याद रखिएगा। तो ये तीन देश। अब हम लोग अगर उस मानचित्र पर आते हैं, तो चलिए उस मानचित्र पर हम लोग जाते हैं। तो इस खाली वाले मानचित्र में, यानी कि देख सकते हैं सफेद रंग के मानचित्र में, अब आपको यहाँ पर वह दिखाना है, वियतनाम दिखाना है सबसे पहले। तो हम आपको बोले थे कि यहाँ भारत है, और भारत से जरा सा लगा हुआ यहाँ पर म्यांमार है, और उसी के क्षेत्र में इस पूरब ओर का जो क्षेत्र है वहां पर आपका वियतनाम है। और वियतनाम से लगा हुआ इस क्षेत्र में क्या है आपका, कंबोडिया है। तो यहाँ पर आप इसे वियतनाम लिख सकते हैं, वियतनाम है यह। और यह जो क्षेत्र इधर है यह आपका कंबोडिया है, कंबोडिया लिख सकते हैं। और उसके बाद जो ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर आपका लाओस पड़ रहा था म्यांमार के जस्ट ऊपर में, यहाँ पर इसे आप गोल करके लिख सकते हैं कि यह आपका लाओस है। तो इस प्रकार से यह तीन देश जो आपके एग्जाम में आ सकता है मुख्य रूप से, कंबोडिया और वियतनाम तो प्रायः पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि इस और पूरब की ओर क्या है आपका, वियतनाम, और इस और आपका क्या है, कंबोडिया। तो ये दो आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा। अब अगर इसको आप इस मानचित्र में दर्शाना चाहते हैं रंगीन वाले में, थोड़ा सा याद रखने के लिए, तो यहाँ पर भी वही सेम एज है कि यहाँ आपका प्यारा भारत है और उसके बगल में म्यांमार है, और उसके जस्ट इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, वियतनाम, और इस तरफ से यहाँ पर आपका पड़ने वाला है कंबोडिया, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पर आप कहीं भी इस तरह से विश्व के मानचित्र में दिखा सकते हैं, यह आपका लाओस है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले देश की ओर बढ़ते हैं, और अगला देश आपका है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है? तो हम यहाँ पर दो मैप आपको दिखाना चाहते हैं इस तरह का। और सबसे पहले बात तो ग्रेट ब्रिटेन जो आपका हुआ है यूरोप में पड़ता है, याद रखिएगा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिखा देते हैं कि यह वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यह क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का ही क्षेत्र है, लेकिन इसमें से इसको बीच में काट करके इस वाले क्षेत्र को आपको दर्शाना है। क्यों दर्शाना है यहाँ पर देख सकते हैं, यह अपर आते हैं हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना मुख्य रूप से पांच देश है, ठीक है ना, मुख्य रूप से पांच देश है इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर जो गोल करके आपको दिखाए हैं पांच देश है, जिसमें से बीच का इस साइड वाला आपका क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, याद रखिएगा। तो आपको केवल इस वाला जो आइसलैंड कह सकते हैं द्वीप द्वीपीय देश जो दिख रहा है आपको, उसमें आपको लगाना ठीक और लिखना आपको यह क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। और यह पूर्ण रूप से यूरोप के बिल्कुल किनारे में है और यह आपका पश्चिमी किनारा है। दिशा आप याद रखिए कि किस दिशा में है, दिशा के लिए एक वीडियो हम डाल चुके हैं पहला वीडियो से, आपको याद रहेगा पश्चिमी किनारा पर है बिल्कुल से। अब अगर इसको एक और चीज हम जो हम बताने वाले थे वह यह है कि आपके मन में यूनाइटेड किंगडम के विषय में सवाल आता होगा, तो इसी को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बस इस तीन में से आपको क्या करना है, यहाँ जो बोले थे पांच है, पांच देश में से एक और इसका वाला ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर दो था ना, उस दो में से एक देश को इसमें सम्मिलित कर देना है, तो जो जितने जो समूह बन जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यह भी आप याद रख सकते हैं यूके। तो अब हम लोग इसको विश्व के मानचित्र में दर्शाना चाहते हैं बिना झोलमोल किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका प्यारा भारत, और यह एशिया में पड़ता है, और यह अफ्रीका है, और यह क्या है, यूरोप। और इसी यूरोप में से यहाँ पर जो द्वीप दिख रहा है उसमें से आपको इधर वाले पर दिखाना है ग्रेट ब्रिटेन, दोनों नहीं दिखाना। अभी आपको बता चुके हैं कि इस वाले क्षेत्र में आपको इस तरह से तीर दिखा करके लिख सकते हैं यह क्या है आपका, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन है। तो इस प्रकार से छोटा सा लिखना है ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर लिख देना है। तो यह था कुछ देश जो आपको दर्शाना था विश्व के मानचित्र में। कुछ सागर भी देख लिए और महादेश भी देख लिए, अब हम लोग कुछ शहर के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। और अगर इसे आप रंगीन मानचित्र में देखना चाहते हैं ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है, तो वह भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो यह वाला जो दिख रहा है यह वाला क्षेत्र क्या है आपका, ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। बार बार हम इसे इसलिए बता रहे हैं और अलग अलग मानचित्र में ताकि आपको यह याद रहे। तो कुछ शहर के विषय में देखते हैं, और यह शहर मुख्य रूप से भारत का ही है। तो और एक चीज याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में ही आपका, इस क्षेत्र में ही आपका लंदन पड़ रहा है। तो विश्व के मानचित्र में अगर आपको लंदन दर्शाने के लिए बोल दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन के निचले हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच में आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या है, लंदन है, ठीक है। लंदन अगर दर्शाने के लिए बोला जाए विश्व के मानचित्र में तो आप इसे इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक बार हम आपको सफेद मानचित्र में भी दिखा देते हैं कि वह लंदन कहाँ पर जाएगा, तो आप इसे इस तरह से दर्शा सकते हैं यह क्षेत्र है, और यहाँ पर बीच में डाल करके लंदन यहीं पर पड़ता है। तो लंदन आप लंदन शहर दर्शाने के लिए बोलेगा तो लंदन यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब एक और शहर आपको दर्शाने के लिए बोला जाएगा और वह है चेन्नई। चेन्नई किस क्षेत्र में पड़ता है, आपको पता है कि चेन्नई इस क्षेत्र में, सॉरी ये ज्यादा दूर हो गया है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और अब दिखाते हैं कि यह भारत है, और इस भारत में आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पर यह आपका क्या है, चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पर है आपका। और एक क्षेत्र आपको दर्शाने के लिए आएगा कोलकाता, तो कोलकाता बिल्कुल यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी है जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कोलकाता, तो यह कोलकाता है। यह सारा क्षेत्र इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए यह बात आपको याद रखना है कि इतिहास में इन क्षेत्रों का प्रयोग करता था अंग्रेज, और इन जगहों का प्रयोग करके यहाँ पर क्या सकते हैं आपका बंदरगाह था, बंदरगाह यानी कि जहाँ से जहाज को ले जाया जाता है और लाया जाता है, तो वह कहलाता है बंदरगाह। तो बंदरगाह था और मुख्य रूप से इसलिए आपको इन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए बोला जा रहा है। एक बार फिर से आपको ठीक तरीके से हम यहाँ पर आपको कोलकाता दिखा देते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, कोलकाता है, और उसके बाद आप इसे मुंबई अगर बोला जाए तो इस क्षेत्र में आपका क्या है, मुंबई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात महाराष्ट्र, और इसी क्षेत्र में आपका क्या है, यहाँ पर मुंबई है। तो इसको बम्बई भी कभी कभी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इतिहास में मुंबई का नाम ही क्या था, बम्बई था। तो इस प्रकार से यह तीन
दे सॉरी तीन शहर है जो आपको दर्शाने के लिए बोला जा सकता है। चार शहर है मुख्य रूप से, जिसमें से तीन आपका कहाँ पर था, भारत में था, चेन्नई मुंबई कोलकाता, और एक लंदन था आपका, कहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर था, ग्रेट ब्रिटेन में, तो आप उसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपका ग्रेट ब्रिटेन था। तो यह था कुछ शहर, क्षेत्र और देश और महादेश और सागर जिसको हम अपने के आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने के लिए बताएं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण होगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमें कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा प्लीज़। आप कमेंट नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है कि आपको बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो वही एक साधन है जिससे हम आपसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो, यही आपका आपका और हम हमारा बीच में संबंध बनाने का एक तरीका है। तो अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और भी विश्व का मानचित्र, और इस बार हम आपको आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारत के मानचित्र के विषय में, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ क्षेत्र को किस प्रकार से दर्शाएंगे और भूगोल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।